कहने का मतलब ये है कि खराब तो मर्सिडीज भी होती है, ये तो टाटा है। यस मतलब ये आप बताना चाह रहे हो। यस, क्योंकि इसके मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम आ चुकी है। एक नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी, आप सभी का स्वागत करता हूं एनबीटी ऑटो में। और आज मैं एक खास वीडियो आपके लिए लेके आया हूं जिसका इंतजार आप सबको था, मैं जानता हूं। और आज मेरे साथ मेहुल बंसल जी हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। और लेके आए हैं टियागो ईवी सर की एक बड़ा, मतलब ये एंटरप्रेन्योर हैं और काफ़ी कुछ पूरी दुनिया को देते हैं, सब कुछ बताएंगे गाड़ी में बैठकर। लेकिन आपको बता दूं, टाटा मोटर्स सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचती हैं और बंसल सर कितने खुश हैं, हमारे मेहुल जी कितने खुश हैं इस गाड़ी से चला के, वो भी आपको बताऊंगा। क्या रेंज मिल रहा है, इनको कोई दिक्कत आ रही या नहीं आ रही। लेकिन सबसे पहला सवाल सर, कब खरीदी थी? इसको 2 महीने हुए। 2 महीने हुए, कितना चला लिया आपने? 1700 किलोमीटर। अब कितनी की पड़ी है? ये अराउंड 11 लाख। लगभग 11 लाख रुपए ऑन रोड खर्च किया था सर ने। अब सर के साथ गाड़ी में बैठते हैं और मेरे पास बहुत कुछ पूछने के लिए है, क्योंकि मैं चाहता हूं ईवी के बारे में, अगर आप ईवी खरीदने की सोच रहे हैं, खास करके टियागो ईवी लेना चाहते हैं, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए और कुछ भी मत मिस करिएगा। चले सर, रेडी हो? श्योर, आइए। तो भैया, मैं मेहुल सर के साथ उनकी इस टियागो ईवी में आ गया हूँ। तो क्या चलाते थे इसके पहले? इसके पहले मेरे पास फिर XC60 थी वॉल्वो की, और फिर जैसे रोज के लिए मैं बलिनो यूज़ कर रहा था और कभी कभी मर्सिडीज यूज़ करता था अभी फैमिली की। तो ये सब आप चलाते थे, आपने टियागो ईवी खरीद ली, अभी भी आपके पास ये सब अभी भी है सारी चीज़ें? तो टियागो ईवी को खरीदने के पीछे की कुछ वजह रही होगी, क्या थी? एक तो हमेशा से हम सबको, एक्चुअली मेरे फादर को भी, हमें इलेक्ट्रिक कार चाहिए थी और फिर हमें दिल्ली NCR के लिए चाहिए थी, तो एक कोई कॉम्पैक्ट कार, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन लगा और हम ट्राई करना चाहते थे, तो ये काफ़ी स्पॉन्टेनियस डिसीजन था हमारा ये परचेज करने का। अच्छा, तो क्या क्या और देखा था आपने इसके साथ में, क्योंकि जब आपको गाड़ी सिर्फ ये देखी थी और कुछ देखा ही नहीं? नहीं। तो कितना टाइम लिया इसे खरीदने में, तुरंत डिसीजन बना लिया? हाँ, उसी दिन और 11 लाख रुपये कब मिली, कितना वेट करना पड़ा, तुरंत मिल गई? मुझे लगता है 15 डेज के लिए वेट करना पड़ा। अच्छा, 15 डेज का। कलर वगैरह कुछ आपने चॉइस थे? हाँ, ये वाला कलर हमें चाहिए था तो उन्होंने हमें दे दिया था, ये मिल गया था आपको। तो अभी जब आप ये चला रहे हो सर, क्या रेंज वगैरह कितना मिल रहा है आपको? जो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना, कहाँ कहाँ लेके जाते हो, क्या क्या करते हो। श्योर। क्योंकि बहुत सारे लोग जब ये गाड़ी खरीदेंगे ना, यस, तो वो आपसे कोरिलेट कर पाएंगे। ऑफकोर्स, वैसे ही हाईएस्ट मॉडल है ZX+, पर इसमें वो लग्जरी फीचर नहीं है इसमें, मतलब जैसे लेदर सीट्स, हमें लेदर सीट्स का शौक भी नहीं है तो वो नहीं है इसमें, बाकी सब चीज़ें। और इसमें एक्सटेंडेड रेंज है और वो कंपनी क्लेम करती है 350 किलोमीटर्स, पर आती नहीं है क्योंकि आज जैसे मैंने सुबह 100% चार्ज किया तो मैक्सिमम जो रेंज दिखाया था डैशबोर्ड इसका तो 247 था, और अभी 91 हो गया, 91% और 229 दिखा रहे, पर प्रैक्टिकली मुझे पता है ये 180 to 200 किलोमीटर्स के लिए जाएगी इस पर। अच्छा, बिना एसी के कभी चलाया आपने? नहीं। रेंज टेस्ट करने के लिए आपको लगता है बिना एसी के दे देगी 315? नहीं नहीं, मुझे लगता है वो वर्कशॉप में अगर सपोज नहीं कोई ऐसे उठा दी और व्हील्स ऐसी हवा स्पिन कर रहे तब शायद आ जाए। तो मतलब एक तरह से टाटा की, टाटा अपने दावे पर तो फिर पीछे रह गई यहाँ पे। हाँ, कह सकते हैं। फिर उन्होंने बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस की, मतलब कि बाहर का टेम्परेचर 23 डिग्रीज होना चाहिए, किसी लैब में उन्हें टेस्ट किया हो, फिर हो सकता है कोई ब्रेक्स नहीं लगाए हो, ऐसा कुछ। और पर मेरे साथ तो नहीं आ सकता, मुझे लगता है आपके साथ नहीं आ सकता है। नहीं। तो अभी मतलब कितना आ रहा है आपके हिसाब से, जो आप एग्जैक्ट अभी रेंज आप अचीव कर रहे हैं? मैंने देखा है 185 to 200 तो आ जाते हैं, मतलब कम्फर्टेबली, जिसमें मैं अराउंड 70% ऑफ टाइम्स मैं डी मोड पे चलाता हूँ और फिर 30% टाइम्स स्पोर्ट्स मोड पे चलाता हूँ। स्पोर्ट मोड पे चलाने पे कैसा रहता है परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है इसका, मतलब कोई भी पेट्रोल डीजल इंजन से बहुत ज़्यादा अच्छा। बस डर ये लगता है कि कहीं ख़त्म ना हो जाए बैटरी। हाँ, पर ये है कि मुझे पता होता है कि मैं NCR में ही हूँ तो, और फिर रेंज हमेशा मैं अराउंड 30 किलोमीटर्स की तो मेंटेन करके जाता हूँ, मतलब कि एडिशनल होनी चाहिए। अच्छा, कभी इसने धोखा दिया आपको, जैसे कहीं निकले होगी और चार्जिंग खत्म हो गई हो? नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ सब। जब 25% या 20% इसमें बैटरी लेवल पहुँचते हैं तो स्पोर्ट्स मोड पे डाल भी नहीं सकते आप। अच्छा, क्योंकि वो थोड़ी बैटरी कंज्यूम करने की कोशिश करती है। अच्छा अच्छा, तो अभी चार्ज कैसे करते हो आप, ये भी जानना है मुझे। घर पे भी करता हूँ। तो मेरे पास 2 है, एक घर पे तो ऑर्डिनरी सॉकेट है 15 amps का, और ऑफिस में हमारे पास फास्ट चार्जर है तो वहाँ पे हम ज़्यादातर करते हैं। अच्छा, तो फास्ट चार्जर से कितनी देर में चार्ज हो जाती है? 2 घंटे में। और जब घर पे चार्ज करते हो उसको अराउंड 100% मैंने घर पे तो नहीं किया, पर मुझे लगता है कि शायद 6-7 घंटे लगने चाहिए पूरी 100% चार्ज करने के लिए, 0 to 100। अच्छा, अगर कंफर्ट की बात करें तो आप अकेले चलते हो इसमें या कोई और भी बैठता है?
वैसे तो अकेले और कोई फ्रेंड बैठे कभी कभी, पर चार लोगों के साथ तो हमने जब हमने खरीद लिए थे तभी हमने टेस्टिंग की थी, पर चार लोगों के साथ ही, पर मुझे लगता नहीं, हाँ वैसे तीन लोगों के साथ तो मैं गया हूँ, पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई, नहीं परफॉर्मेंस में तो कोई इशू नहीं है, ब्रेकिंग में भी कोई इशू नहीं है इसकी। एक दिन में वो कौन सा दिन रहा होगा, कितने किलोमीटर एक दिन में आपने चलाया होगा इसे सबसे लंबा? इसको 120 बड़ी गाड़ियां चलाने वाले मेहुल भाई जब इसको चला रहे हैं तो उनको कैसा लग रहा है? मुझे तो ऐसे छोटी कार्स में दिल्ली इंसाइड में अच्छा लगता है, मजा आता है क्योंकि इतना देखना नहीं पड़ता। पर जैसे मैं माउंटेन्स में जा रहा हूँ तो मैं प्रेफर करता हूँ ठीक है एक सेडान हो, पर हैचबैक्स मुझे एनसीआरएच में ज़्यादा प्रैक्टिकल लगती है कि रोज के लिए। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक खरीदने के पीछे की वजह कुछ और भी रही है या तो कुछ देशभक्ति वगैरह तो नहीं आ गई थी कि नहीं टाटा की इलेक्ट्रिक कार? मैंने ये भी सोचा था कि टाटा है तो हमारे पास एक टाटा कार भी होनी चाहिए। अच्छा, और ये मतलब जीवन सफल हो जाएगा। यस यस, और ये कि टाटा की खुद की इलेक्ट्रिक कार है तो वो भी हमें थोड़ा प्रमोट करना चाहिए इंडियन प्रोडक्ट को। तो आप प्रमोट करते हो? यस यस, मैं इसकी हमेशा तारीफ करता हूँ, इसलिए बुराई तो नहीं करता किसी से, बुराई नहीं करते आप। तो आप खुश हो इस गाड़ी से ओवरऑल? यस यस, इसलिए जबरदस्ती वाला की भले भक्ति भावना है या लिटरली दिल से खुश हो? दिल से भी खुश हूँ मैं, दिल से भी खुश हूँ। और टाटा ने पिछले 5-6 सालों में बहुत इम्प्रूव किया अपनी कार्स को, मार्केट शेयर भी बहुत इंक्रीज हो गया, नेक्सॉन अच्छी कार है और जो अभी नई कार्स आ रही है तो टाटा की काफी अच्छी है। यस, सस्पेंशन वगैरह अच्छा लगता है? सस्पेंशन अच्छा लगता है। और देखिए क्वालिटी में तो हमारे साथ मर्सिडीज़ के साथ भी प्रॉब्लम आई है। हमने मर्सिडीज़ ई क्लास ली थी बिल्कुल नई 2 साल पहले या उसको, हाँ 1 साल पहले, और वो 3 दिन में ख़राब हो गई थी कार। अच्छा, हम जिम कॉर्बेट जा रहे थे एक मीटिंग में और एकदम से ही मतलब उसमें मतलब बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लगी कार। अच्छा, और हमें लगा कि पहले टायर पंक्चर हो गया, फिर वो ऑन भी नहीं हो रही थी, ऑन हुई फिर बहुत ज़्यादा वाइब्रेट, और इसमें एक छोटा सा तो उसका जो उसका कैम स्प्रिंग एक खराब हो गया था। अच्छा, और मतलब वो टूट गया था और वो मतलब, तो कहने का मतलब ये है कि खराब तो मर्सिडीज भी होती है, तो ये तो टाटा है। यस मतलब ये आप बताना चाह रहे हो? यस, क्योंकि इसके मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम आ चुकी है, एक हफ्ते बाद इसका जो एसी का फैन था वो खराब हो गया था। अच्छा, जो आगे होता है अंदर वाला नहीं बाहर वाला, ठीक है, तो उसकी वजह से मैं गुड़गांव ही तब जा रहा था तो काफी गर्मी थी, पर ये था कि उन्होंने फिर एक हफ्ते में ये 10 डेज में रिप्लेस कर दिया, तो आराम से चेंज हो गया था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। यस, हमें एक हफ्ते के लिए वहाँ पे छोड़नी पड़ी कार। अच्छा, या फिर शायद वापस आ गई थी कार और उन्हें शायद बता दिया था कि अब आ गई तो आप लगवा लीजिए, हाँ तो ऐसा होता है, एक हफ्ते बाद आ गया था वो ठीक। तो अभी कैसा मतलब डीलरशिप विजिट कर रहा है, कितनी बार विजिट कर चुकी है जब से खरीदा इसे आप, सर्विस सेंटर कितना विजिट किया? एक ही बार था अभी, और कोई जरूरत नहीं पड़े। और इस गाड़ी में और क्या चीज़ लगता है जो इम्प्रूव करना चाहिए, शिकायत मत करिए, इम्प्रूवमेंट बताइए जहाँ पर लगता है कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, फीडबैक देना अपने आप में एक भक्ति वाली चीज़ होती है। तो एक तो इसकी रेंज ज़्यादा मतलब अगर क्लेम करें 350 तो मैं सोचता हूँ कि 300 आना चाहिए, मतलब उनको टाटा को क्लेम ही कम करना चाहिए, ठीक है। दूसरा एक तो वो ऑफिस का जो गियर शिफ्ट है ये रोटरी टाइप है तो कुछ देर देर में शिफ्ट करता है। हाँ, तो ऑफिस में इतना मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा ही मतलब कि इसमें काफ़ी बार स्किप भी हो जाता है, अगर थोड़ा जैसे कि बाकी कार्स में होते हैं आगे पीछे जॉयस्टिक टाइप तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, और फिर हाँ इसमें ये भी है कि जब बैक रिवर्स करते हैं और फिर एकदम फॉरवर्ड करते हैं और फिर बैक रिवर्स कर रहे हैं मतलब आगे पीछे काफ़ी बार यू टर्न करने के लिए तो वहाँ पे एक दफ़ा झटका लगता है, तो मुझे लगता है कुछ या तो हाँ जब ट्रांजिशन करते हैं रिवर्स और फॉरवर्ड में तो कुछ झटका लगता है, तो मुझे लगता है कि जो इसका ट्रांजिशन है थोड़ा सा स्लो रहता है, ट्रांजिशन नहीं मतलब हल्का सा झटका ही लगता है जैसे कुछ गियरिंग में प्रॉब्लम है फिर कुछ अंदर एकदम खट से आवाज आती है। ये बात आप टाटा को बताओगे या नहीं बताओगे? हाँ, इस वीडियो में होपफुली वो देखेंगे, वो देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा। तो अगर कोई इसे खरीदना चाहता है तो उसे आप क्या बोलोगे, मतलब मेहुल भाई क्या सजेस्ट करेंगे? अब तो ये बहुत प्रैक्टिकल सेकेंड कार है, अगर कोई पहली बार कोई कार ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद उसके लिए पेट्रोल कार ज़्यादा फीसिबल होगी क्योंकि फिर उनको रेंज एंग्जाइटी नहीं होगी, वो कहीं भी जा सकते हैं, पर किसी के पास अगर पहले से कोई पेट्रोल या डीजल कार है तो ये सेकेंड ऑप्शन बहुत अच्छा है, सेकेंड कार के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि 90% टाइम्स में नहीं लगता कि कोई भी 200 किलोमीटर से ऊपर जाएगा, और रात को अगर किसी का रोड ट्रिप भी है 200 किलोमीटर जाने तो रात को वो चार्ज कर दें और फिर सुबह वो ले जा सकते हैं।
अच्छा जा सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब कोई चाहे तो ऐसा नहीं है कि 200 किलोमीटर तक तो बहुत अच्छी कार है, मतलब अगर दिमाग में 200 रखे तो रेंज एंजाइटी नहीं होगा, आराम से वापस चला आएगा वो लेके गाड़ी। और गूगल मैप सबके पास होते हैं तो सबको अपना रूट मैप एक बार प्लान कर ले। अच्छा फीचर्स क्या क्या अच्छे लगे आपको, जो फीचर्स? फीचर्स तो इसमें एक्चुअली सब चीज़ है, इसमें क्रूज कंट्रोल भी है, ऑटोमेटिक क्रूज कंट्रोल नहीं है जैसे वॉल्वो में, पर इसमें सिंपल वाले है कि एक कांस्टेंट स्पीड पे तो फिर ये चलती रहेगी, एक तो वो वैसे वो भी अच्छा है, पर इसमें ये है कि जब क्रूज कंट्रोल पे होती है तो इतना स्मूथ नहीं होती, वो एक्चुअली ब्रेक्स लगाती है वो। अच्छा। तो अगर 80 पे सेट किया हुआ तो फिर एकदम से हल्का सा वो फिर कट ऐसे लगता है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रही है। मर्सिडीज़ का वो बहुत स्मूथ है कि 80 पे चल रही है तो 80 पे चल रही है और कांस्टेंट स्पीड पे रख सकती है, तो आगे पीछे हल्का सा लेग लगता है जैसे कुछ ऑलमोस्ट ब्रेक लगा रही है वो, पर हो सकता है वो इसकी रीजन की वजह से हो। जैसे पेट्रोल कार्स में होता है कि अगर आप एक्सलेटर छोड़ेंगे तो एकदम से हल्का हल्का डीएक्सलेट करेगी, काफ़ी ज़्यादा करती है फर्स्ट लेवल पर भी, पर ये अच्छा है कि प्रोज एंड कॉन्स हो सकते वो क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऐसा तो करती है वो, पर इसमें ये अच्छा है कि अब 3 levels ऑफ फ्रीजन है, तो अगर सपोजिंग आपको ज़्यादा अग्रेसिव ड्राइविंग करनी है तो 3 level 3 पे कर लें तो इसमें आपको ब्रेक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो भी आपको डी एक्सलेरेशन मिलेगा तो इसमें आप ट्रैफिक कंडीशंस कंडीशंस के अकॉर्डिंगली आप चला सकते हैं, और फिर आप इतनी एनर्जी लूज नहीं करेंगे क्योंकि ब्रेक नहीं लगा गया आप। अच्छा। तो इसी सारी बैटरी चार्ज होगी इसमें। तो इस गाड़ी से आपके क्या क्या काम पूरे हो जाते हैं पर डे? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। क्योंकि ये जिम जाना, शॉपिंग करना, सारा आसपास घूमना। अच्छा। एनसीआर का सवाल है तो मतलब आपके आसपास के सारे लोग खुश हैं क्योंकि आप उनसे अपनी इस इलेक्ट्रिक गाड़ी से जाते हैं। तो मतलब आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी जिससे आपके आसपास के छोटे छोटे काम सारे पूरे हो जाते हैं, लेकिन लंबी दूरी अगर जाना होगा तो आप इसे लेकर नहीं जाओगे। यस, जैसे उत्तराखंड है, ये फिर हिमाचल प्रदेश है, तो वहाँ पे तो जा ही नहीं सकते। तो गाड़ियाँ ऐसी आ गई हैं जिन्हें लंबी दूरी तक आप लेके जा सको इलेक्ट्रिक कारें, तो कुछ है दिमाग में जो खरीदने की इच्छा हो आपकी इसके बाद जिसमें हम वीडियो बना रहे हैं? हो सकता है पर अभी मैंने सोचा नहीं, क्योंकि हमें हमारा प्लान यही था कि अभी ली जाए तो कोई छोटी इलेक्ट्रिक कार ली जाए उसके साथ किया जाए। तो कुल मिला के छोटी इलेक्ट्रिक कार लेने का जो आपका डिसीजन था वो एकदम सही था, आपको कोई 100% मतलब कोई गिला शिकवा नहीं है? कुछ और बोलना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं जनता को जो आपको देख रही है? मैं कहता हूँ कि लोगों के पास आजकल तो दो तीन कार्स होती है, तो सेकंड बहुत अच्छा ऑप्शन है कि इलेक्ट्रिक कार ले लें, और टाटा की एक्चुअली बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई नहीं दी इस प्राइस पॉइंट पे। 11 lakhs की है तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा और कुछ दे सकते, क्योंकि इसकी जो बॉडी पैनल्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब अच्छा काफ़ी थिकनेस की है। okay. तो मुझे लगता है कि अगर एक्सीडेंट होगा तो इसमें सेफ्टी अच्छी रहेगी। तो कुल मिला के कहना यह है मेहुल भाई का कि अगर आपके पास 2-3 गाड़ी ऑलरेडी है तो आप धर्म के तौर पे एक ही भी ले लो, वो भी टाटा की। टाटा की कार घर में रहेगी, टाटा की है, महिंद्रा की है, महिंद्रा की। अच्छा, महिंद्रा की भी। यस, मतलब देश की गाड़ी खरीद लो। तो ये देशभक्ति सुन के अच्छा लगा मुझे, लेकिन इनको कोई कंप्लेंट नहीं है, ये भी सुन के अच्छा लगा। जो छोटी छोटी बातें थी फीडबैक के तौर पर इन्होंने बता दी है, छोटी चीज तो ओवरलुक भी कर सकते हैं, जैसे मर्सिडीज के साथ भी प्रॉब्लम आई है। हाँ, छोटी, तो अगर इसके साथ भी आ रही है तो इसमें कोई बड़ी, तो शिकायत किया और उसे फिर अपने आप ही जस्टिफाई भी कर दिया भाई ने, फिर अगर कंपनी रिजोल्व कर रही है तो फिर क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो कंपनी से खुश है, गाड़ी से खुश है, रेंज से खुश है, और कुछ कुछ चीजें थी जिन्होंने हाईलाइट किया है। मुझे लगता है टाटा इनकी बात जरूर सुने और आने वाले वक्त में कुछ और सोचेगी। Yes. तो दोस्तों, मुझे तो इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, इन्होंने अपनी पूरी बात रख दी है अपनी इस इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में। अगर आप कोई और सवाल करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पर आ जाइए, हमारा इंस्टा हैंडल है NBT Auto, जवाब आप तक जरूर पहुंचेगा। अगर कुछ इनको देना होगा मेहुल भाई को तो इनसे मैं पूछ लूंगा। Sure. उसका जवाब आप तक पहुंचा दिया जाएगा। थैंक यू भाई। ग्रेट, थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा इस चैनल पे आके, एंड ऑल द बेस्ट। और मैं देखता हूँ ये वीडियो मेरे, मतलब पहली बार यूट्यूब पे ऐसा कोई फॉर्मल इंटरव्यू होगा मेरा, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। थैंक यू।